स्टार्ट करूं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। मैं आज आपको जो है ड्रिल के बारे में बात करूंगा। आज आपको जो है ट्विस्ट ड्रिल के बारे में बताऊंगा कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ड्रिल है, ये हमारा टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। टेपर सैंक क्यों है इसका नाम? टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल क्यों नाम है इसका? इसका नाम टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल इसलिए है क्योंकि यहां पर इसका जो ऊपर का सैंक है वो हमारा टेपर में बना हुआ है। ऊपर इसके ऊपर जो ये सैंक के ऊपर जो भाग दिख रहा है हमको, ये भाग जो होता है हमारे जब ड्रिल मशीन में इस ड्रिल को ले जाकर हम स्पिंडल में लगाते हैं तो इसका जो ऊपरी सिरा उसके स्पिंडल के स्लॉट में जाकर फंस जाता है और इसको बोलते हैं टैंग। इसका कार्य सिर्फ क्या होता है कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जाके उस स्लॉट में फंस जाना। फिर क्या होता है, फिर उसके नीचे ये हमारा सैंक होता है। सैंक जो होता है मोस्ट टेपर होता है। उसके बाद टैंग, फिर सैंक, और सैंक के बाद जो हमारी स्ट्रेट सैंक की ड्रिल होती है वो हमारी टेपर में नहीं बनी होती, इसलिए इसका जो टेपर होता है वो मोस्ट टेपर के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोस्ट टेपर होता है। और इसके जस्ट नीचे जो हमारा ब्लेक भाग दिख रहा है, ये ब्लैक भाग जो है हमारा नेक है। नेक पर क्या होता है कि हमारा इस पर मटेरियल का नाम, जिस मटेरियल की हमारी ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है, और उसका जो हमारा साइज है, इस ड्रिल का जो साइज है, इस पे जो है हमारा साइज दिया हुआ है 25.5 mm, और प्लस इसका जो इस पे मटेरियल दिया हुआ है ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल का हम समझते हैं कि HSS मतलब हाई स्पीड स्टील का ही बनाया जाता है। और इसके नीचे का जो नेक के बाद का जो भाग होता है हमारे पॉइंट तक जो कटिंग पॉइंट होता है, इससे जो इसका भाग होता है ये जो भाग होता है वो हमारी ड्रिल की बॉडी कहलाता है। और इस ड्रिल की बॉडी पे बहुत से भाग होते हैं, बहुत से पार्ट इसके हैं। कौन से पार्ट हैं? ये जो आपकी चमकता हुआ जो चेहरा इसका दिख रहा है, इस लाइन को जो है मार्जिन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी जॉब में जब घूम कर जाता है इस टाइप से, ऐसे घूमता हुआ जाता है, तो ये क्या करता है, कटिंग करता है और बराबर समान कार्य मतलब सीधा होल इधर उधर तिरछा टेढ़ा नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है हमारा, ब्लैक कलर का जो होता है फ्लूट्स होता है, ये फ्लूट्स बोलते हैं इसको, ये फ्लूट्स होता है। इसका कार्य क्या होता है कि जॉब में जब हम किसी जॉब में होल करते हैं, होल करना स्टार्ट करते हैं, तो होल करते करते जो है उसमें जॉब पर गर्मी पैदा होती है क्योंकि लोहा कटेगा तो गर्मी पैदा होगी, तो हम क्या करते हैं उसमें कूलेंट डालते हैं। तो कूलेंट डालने का और क्या कहते हैं कि इसकी जो हमारी जॉब होती है, जॉब की चिप्स निकालने का, उसका दोनों का साधन ये होता है हमारा फ्लूट्स। फ्लूट्स के द्वारा पॉइंट तक उसका कूलेंट पहुंचता है तो कटिंग करता रहता है और इसके साथ बराबर से चिप्स बाहर निकलते रहते हैं। फिर इसके अंदर का जो भाग होता है वो हमारा वैब होता है। वैब जो भाग होता है ये क्या करता है, ड्रिल को मजबूती प्रदान करता है। ये अंदर से पतला बाहर से मोटा होता जाता है, ये आपको दिख ही रहा है कि अंदर से पतला है और बाहर से मोटा होता चला जा रहा है। फिर इसके जस्ट नीचे हम पहुंचते हैं, जस्ट नीचे जो हमारा ये पॉइंट है ये कटिंग एंगल होता है और इसके दो एंगल्स होते हैं, मतलब कटिंग एंगल बनाने के लिए दो लिप एंगल होते हैं। लिप एंगल जो हमारा 59 होता है और कटिंग एंगल जो हमारा साधारण कार्यों में बोला जाता है ट्विस्ट ड्रिल का, वो 118 डिग्री होता है, मतलब 118 डिग्री होता है। और इसमें इसका जो यहां से एक हेलिक्स एंगल कटता है, ऊपर से जब इसका बिल्कुल सीधा निशान लगाते हैं हम, इससे सेंटर लेते हैं, जब ड्रिल का सेंटर लेते हैं, सेंटर लेने के बाद हम इधर लिप एंगल और इधर लिप एंगल, बीच में जो एंगल नीचे से निकलता है वो हमारा क्या होता है, कटिंग एंगल होता है। और जस्ट इस सेंटर के ऊपर से जो लाइन लेते हैं और ऊपर जो एंगल हमारा तैयार होता है वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। वो भी हमारे मटेरियल के साथ साथ ड्रिल के एंगल बदलते रहते हैं। हमारा मतलब मीडियम क्वालिटी की धातु पर करना है या मतलब अलग अलग टाइप की धातुओं पर हमको ड्रिल करना है तो उसके कटिंग एंगल अलग टाइप के होंगे, लेकिन साधारणतः
जो साधारण हम जब जॉब में किसी होल करते हैं ड्रिल के द्वारा, तो हमारा जो एंगल होता है वो 118 ही होता है। धन्यवाद।